ये हमारा घर है, ये हमारा ये वाला रूम। कितनों की लव स्टोरी यहाँ, केसरिया तेरा। सो हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ध्रुव वंजना व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज हम नहा धो के तैयार है और अभी जाएंगे हम, आज जो हमने वादा किया था, अपना होम टूर देने अपनी सासू माँ को। तो अंजना भी आज होम टूर ले लेगी, बाकी पापा आज थोड़े से बिजी है, अगर उनको टाइम मिला तो वो डेफिनेटली आएगी, वरना मैं, मम्मी और अंजना तो है ही है। तो करते इस ब्लॉग की शुरुआत, तो ब्लॉग के अंत तक बने रहे, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने अपनी मम्मी की फ़ोटो के सामने करी है, क्योंकि आज हम उसी घर पे जा रहे हैं जहाँ पे हम अक्सर, मतलब महीने दो महीने में एक बार ही जाते हैं। तो आज सासू माँ ने डिमांड करी है कि भाई इनको जाना है और घर देखना है, तो हमने सोचा कि क्यों ना कर ले। कल रात ही पापा चाबी लेके आए हैं घर की, और हमारी मैडम भी रेडी हो चुकी है। यार तेरे को जरूरत नहीं तैयार होने की, तू पहले ही से इतनी ब्यूटीफुल है, तुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए। चलो हो जाओ फिर तैयार जल्दी ना। तो मैं और मम्मी तो तैयार है, बस अंजना को थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे ही ये फ्री होते हैं फिर हम भी निकलते हैं। और गाइस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। हेलो सेवी, कैसा है तू? आज तो तेरा बेड भी खाली हो गया। चलो गुड मॉर्निंग कर दो सबको। चलो हाई फाई किया तो इट मीन्स ये गुड मॉर्निंग हुआ। जल्दी जल्दी हाई फाई, हाई फाई, गुड बॉय, गुड बॉय। तो सेवी का हाई फाई भी हो गया है। तो भाई आज तो धूप भी निकली, तो दोनों अच्छे लग रहे हैं। क्या कंपैरिजन कैसे कर सकता हूँ मैं? दोनों ने शेड भी पहने हैं ना, क्योंकि हाँ इक्वल टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। नहीं नहीं बहने लग रहे हैं। हाँ थोड़ा सा लेट हो चुके हैं यार, दिन का टाइम है ना, पर कोई नहीं पहुंच जाएंगे, हमें तो बस नज़दीक में जाना है, इतना दूर भी नहीं है। पीछे वाले रास्ते से जाए या आगे से वो अभी डिसाइड करना है। तो मेरे शेड्स भी दिए जाए। गाड़ी घर की चाबी लाया ना? हाँ जी हाँ जी, भूल गया था वैसे मैं ना, एकदम से अंजना ने याद दिला के घर की चाबी उठाई। वरना जाके फिर पोपट हो जाना, मोई मोई हो जाना था। एक बार पापा से पूछ ले आ रहे कि नहीं आ रहे। हां मैं पापा को ही कॉल करती हूं, और जल्दी जल्दी मैं तैयार हुई, मुझे तैयार नहीं होने दिया। इतना टाइम लगाया इस एक घंटे को, जल्दी जल्दी बोलती है तू। आराम से क्या है फिर तेरा? आराम से मेरा ये एक घंटा नहीं है, मैं काम कर रही थी ना यार। हाँ। कपड़े डाले थे मैंने धोने को। तो गाइस मेरी पापा से अभी बात हुई है, पापा को ना चंडीगढ़ जाना था कुछ अर्जेंट काम से, और हम लेट हो गए, पौने दो हो गए, पापा अभी तक वेट कर रहे थे। तो पापा बोले कि मैं तो निकल गया क्योंकि काम था उनको कुछ अर्जेंट। हाँ ध्रुव दे गया हमें होम टूर। तू भी दे सकती है जितना तेरे को पता है उतना तू दियो। हाँ जितना देखो नहीं पता वो मैं। तो गाइस इस रोड में ट्रैफिक देखना यार, हम यहाँ से आ ही नहीं सकते है ना भाई, यहाँ फंसने वाला काम है पूरा। अब हुआ भाई कहाँ, ये थोड़ा दिक्कत लगती है जीरकपुर और पंचकुला की कनेक्टिविटी ना, अभी जब तक ये फ्लाईओवर नहीं बनते ना बड़ी खराब रहेगी जो ये चीज है ना। पर एक चीज बोलूँ मैं, जो हमारा ये घर है ना, इस घर की एक खासियत है क्या क्या, अगर आप शिमला से आ रहे हो तो सबसे पहले पहुँचते हो, और शिमला जा रहे हो तो यहाँ से सबसे पहले पहुँच जाओगे, क्योंकि इस ट्रैफिक से तो हम बच जाएंगे। कुछ याद आ रहा है कि आए थे आप इधर? टाइम तो बिल्कुल ऐसे ही। और जी फाइनली हम पहुंच चुके अपने घर के पास, अब हम आपको देंगे घर का होम टूर। क्या हो गया, भूल गए घर? भूल गए घर को, तो मैं सिर्फ देख रही हूं। सही वाला है घर यार, ये वाला। तो अभी जाएंगे यहाँ से ऊपर, हम थोड़ा सा रश हो रखा है आज संडे को, नहीं तो यहाँ पे कमर्शियल थे निचली साइड, तो नीचे कमर्शियल है, नीचे एक शॉप है, एक और एक बेसमेंट है। ये हमारा घर है, यहाँ से इसकी शुरुआत है। ये नीचे बेसमेंट है और यहाँ पे शॉप है ना, शॉप है इसमें जो हमने रेंट आउट किया। ऊपर भी शॉप है, ऊपर भी शॉप है, ये दोनों शॉप है, ये भी हमारी है। ये राजी हमारा घर, ये कर रहे हैं हम गेट से, पापा ने साफ तो करवा दिया होगा वैसे बेसिकली, आज खोलने जा रहे हैं काफी टाइम बाद, मतलब काफी टाइम बाद अपने हाथ से खोल रहा हूं। हां चलो जी, वेलकम 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 वेलकम, लाइट जला लो। हाँ मैं दरवाजा बंद करूँगा, ठीक है। तो वेलकम टू आवर होम, ये पहले ही आके हमारे में ये दरवाजा बंद कर लेते हैं ताकि बाहर। तो जो पापा कर रहे थे सेवी यहाँ बैठा था पापा का वेट करने, क्योंकि हमारा मेन डोर ये पे था, ये वाला था यहाँ पे, तो ये यहाँ से मेन डोर से पहले सीढ़ियाँ है, ठीक है। ये ऊपर स्टेयर्स
ये मम्मी पापा ने ना बिल्कुल जैसे गांव में घर होते ना वैसे बनाया था। ये है दादू दादी ध्रुव के और ये मेरे बचपन की पेरेंटल जो पेरेंटल बोल रहे थे ना ध्रुव की पेरेंटल फैमिली से, तो ये रोजी ये ध्रुव के दादू दादी है और ये मम्मी की फोटो है। अब तो दे सकती है ना वैसे अच्छा होम टूर, तू अब तो इस घर की बहू है। जादुई शीशा हमारा ये मिरर है और यहाँ पे ना पूरा ड्रेसिंग पे मम्मी का पूरा पार्लर का सामान है ये राजी अभी तक रखा हुआ है संभाल के। और बस अब सारा सामान थोड़ी देखना है। और इसके साथ ही हमारे यहाँ पे वॉशरूम है, पहले वॉशरूम से शुरुआत करते हैं, किचन से शुरू करते हैं। होशियार लड़की। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं यहाँ पे, ये है पहले ड्राइंग रूम है, एंटर करते ही जब आप लोग आए थे तो यहाँ पे अच्छा नाम तो आप लोग यहाँ भी आते हैं। तो ये है हमारा ड्राइंग रूम, हम ये ड्राइंग रूम है और ये जो लाया था ये इस पर बढ़िया पानी आता था। हाँ पापा ने ना गिफ्ट दिया था ये मम्मी को, तो मम्मी को बड़ा पसंद आया था। इसमें क्या होता है यहाँ से पानी निकलता है इससे पूरा ऐसे करके। ठीक है ये ड्राइंग रूम है, आते ही स्टेयर्स के बाद ड्राइंग रूम के बाद ये किचन है और किचन बहुत खुली डुली है। ये पहाड़ी स्टाइल किचन है एक हिसाब से ना, ये पहाड़ी किचन जैसे ठंड में क्या होता था खाना बनाते थे और यहाँ नीचे बैठ के खाते थे हम लोग। ये जो है ना ये रख लेते थे नीचे बैठ के जैसे घर गांव में खाते, किचन है वैसी किचन होती थी और ये सारे खुद बनाए हुए हैं। तो मॉड्यूलर किचन का डिजाइन हमने खुद बनाया है, खुद बनाया हमने, तो मम्मी पापा का बनाया हुआ घर है। हाँ सब कुछ वर्किंग है, चिमनी वर्किंग है वहाँ पे, फ्रिज वर्किंग है। हाँ ये देखो सब कुछ वर्किंग है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके बाद इससे ऊपर नहीं गए ना आप? हाँ, इससे मम्मी लोग वगैरह जब आए थे तो ये बैठे थे और मुझे यहीं पे आए थे मेरे को मांगने। यहाँ बैठे मांगने ओहो, यहाँ थोड़ा सा अंधेरा भी होगा तो उसके लिए थोड़ी लाइटें चला लेते हैं। ये हमारा ये वाला रूम, मेरे पापा ने सारे सामान यहाँ टीवी होता था, सेवी का हाउस होता था यहाँ पे और यहाँ पे सिटिंग के लिए बैठने के लिए उस टाइम ये गद्दियाँ लाई हुई थी, यहाँ बैठने का होता था, ये रूम होता था और उसके साथ ही बाहर बैलकनी है जो अंदर भी एक स्पेस है। पहले वो दिखा दो आप, यहाँ पे अंदर ये है अपना चेंजिंग रूम बोल दो आप एक हिसाब से, चेंजिंग रूम। हाँ ये चेंजिंग रूम और एक कबर्ड रख सकते हैं, मम्मी की कवर्ड है, मम्मी भी मम्मी के कपड़े हैं, इसमें भी सब जगह मम्मी के कपड़े और इसके नीचे भी मम्मी के कपड़े हैं ना। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाता हूँ पहले। अच्छा हाँ जी, तो ये है जी हमारे टाइम का कंप्यूटर। बचपन में मेरे को कंप्यूटर का बहुत शौक था तो मम्मी और पापा ने स्पेशली मेरे लिए ये कंप्यूटर लेके आए और आज इस कंप्यूटर की विदौलत मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बना हूं। देख कितने बड़े बड़े होते थे पहले कंप्यूटर, साइज देख लिए और साथ में इसका सीपीयू है। अच्छा था। और यहाँ पे एलईडी और यहाँ पे ना मम्मी बैठ के देखती रहती थी कि बाहर कौन आया है, पूरा मॉनिटर लिया जाता था कि भाई क्या चल रहा है, क्योंकि कैमरे लगे हैं हमारे यहाँ तो पूरा देखना यहाँ पे। तो इसी के साथ ही चेंजिंग रूम दिखा दिया और अब बालकनी दिखाए। चलो ठीक है अभी दिखा देते, ये एसी हर कमरे में लगा है इसमें बाहर से लेकर, अरे नीचे से भी है कुंडी मेरी जान, यही होता है जो बेचारे अब इस घर में अंजना कुंडी भी निकल पाई। लेकिन कुंडी का साइज देखो आप कितना बड़ा रखा है जानबूझ के, क्योंकि दरवाजे लंबे लंबे है ना इस वजह से, हाइट छोटी है ना। पता था ना, पता था ना, मम्मी को बता था कि हिमाचल से शादी करनी है तो मेरी तो ठीक है, बहू की हाइट थोड़ी छोटी होगी, ये भी ऐसी होगी ऊपर नीचे दोनों साइड लगाई होगी कुंडी भाई, करने पड़ते है यार घर में ऐसे थोड़ी, नहीं तो दरवाजे फूल जाते हैं। ठीक है अभी भी मतलब ये बालकनी है और यहाँ पे ना पापा बोल रहे थे कि सारे गमले हटा दिए, गमले हटा दिए क्योंकि खराब हो गए थे ऑब्वियसली, यहाँ आ नहीं पाता है कोई, तो ये भी तो ये बालकनी है। और यहाँ पे धूप सामने आती है सुबह पहली किरण वहाँ से, चलो ये था हमारा सेकंड फ्लोर में जहाँ पे है जी मेरा कमरा, गेस्ट रूम और भी बहुत कुछ। तो गाइज ये स्टेयर्स में ऊपर जाते जाते ना यहाँ पे ना स्पेस बचा था तो इसका पूरा
पूरा ख्याल रखा गया है। ये स्टोरेज के लिए बनाया हुआ है, देख सकते हो ये कवर्ड। ये जगह बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करिए। अब जाएंगे यहाँ से हम ऊपर। हाँ, तो ऊपरली साइड के लिए स्टेयर्स है। हाँ, इस तरह से ऊपर वाले फ्लोर के लिए स्टेयर्स है। थोड़ी लाइट की दिक्कत है यहाँ पे भी। अब देखते वो वाला बल्ब जलता है कि नहीं। हाँ जी, तो यहाँ सीढ़ियों से ऊपर आना ऐसे करके, और यो इसको ऊपर रखा। ये कॉन्सेप्ट मैंने बोला था बचपन में जब मैं था 11 12th की बात है, तो मैंने बोला कि ऐसा होना चाहिए कि यहाँ हमारा ऊपर झूमर लगेगा, झूमर का पॉइंट रखा है, और यहाँ से नीचे हम बात भी कर सकते हैं। तो इस वजह से ये स्पेशली सीढ़ियाँ, पता है वाली सीढ़ियाँ हम ना डायरेक्ट बना रहे थे, जैसे ये बनी है ना साइड से ऊपर के लिए, स्पेस भी कम घिर रही थी, बट मैंने कहा कि नहीं ऐसे करना है, तो स्पेशली ये सीढ़ियाँ तोड़ी गई और उसके बाद फिर ऐसा डिजाइन दिया गया इसको। ये बिल्कुल ऐसा है। हाँ जी, तो यहाँ पे थोड़ी लाइट लाइट की दिक्कत है। ये हो गया आपका ये पहले ना बंद नहीं था। हाँ। अब हमने इसको सेपरेट कर दिया ना, क्योंकि इधर वाला रूम अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये वाला अलग हो जाएगा। खुला था पूरा, है ना? हाँ, खुला था। हाँ, पहले पूरा, तो एक बेड लगा दिया हमने। हाँ। वैसे ही और ये वाला स्पेशली मम्मी के लिए बनाई थी, ये वाली ना जी अलमीरा, ये पार्लर का काम करते थे ना मम्मी, तो शीशा है इसमें, बाकी पूरा कॉस्मेटिक्स वगैरह जितने भी वो क्रीम वगैरह होती है सब कुछ आते थे इसके अंदर। ओह, पंखा चला दिया अंदर। तो ये रूम है हमारा, गेस्ट रूम बोल सकते हैं हम इसको। और इसमें दो बेड लगाए, एक इधर एक सामने। ये मेरा स्टडी टेबल है। हाँ जी, ये पूजा रूम है। ये ना यार, हमने उठाना था जो नए फ्लैट जाएंगे, तो ये पूरा पूजा घर बनाया है। यहाँ पे पूरी खंडे ढोलक वगैरह, हाँ सब कुछ रखा था मम्मी ने। मम्मी पूजा पाठ बहुत ज्यादा करते थे। हम भी, हमें भी ऐसी आदत पड़ी है। हाँ, इसी मंदिर में रोज सुबह शाम पूजा पाठ करनी। चलो अब यहाँ की बालकनी बची, बस यहाँ भी चलो साफ करवा दिए बालकनी। हाँ, जो हम देख पा रहे हैं। हाँ, क्या बात है, क्योंकि यहाँ पे कबूतर देख रहे हो आप कितने ज्यादा हैं। एक घोंसले बना देते हैं। ये है जी यहाँ से व्यू, और धूप देखो मुंह पे पड़ रही है बढ़िया। हाँ तो भाई अब बहुत, क्योंकि यार ये अपने जितने भी है ना कबूतर वगैरह, यहाँ पे घर बना देगे अपना, अंडे दे देगे, तो सारा गंद पड़ जाता था उस वजह से। चले अब मेरे रूम में, नेक्स्ट रूम में, जो मेरा रूम होता था पहले। स्पेशली मैंने अपना रूम ऊपरली साइड बनाया था मैंने, क्योंकि मैं पढ़ाई भी करता था और मेरे स्टडी टेबल वगैरह यहीं पे पड़ा रहता था ना, इस वजह से। चलो जी, तो ये भी एक रूम है। तो यहाँ पे अभी ये भी छाई हुई है, ये भी मतलब एक रूम निकाला था हमने। रूम निकाला था ये, ठीक है। और ये अंदर, इसमें जो सबसे अच्छी बात थी, अगर हम इस घर में होते तो ये हमारा रूम बना था, शादी करके मैं इसी घर में आनी थी। हाँ, तो यहाँ पे सबसे अच्छी जो थी, जब मैं पहली गाड़ी आई थी यहाँ पे ना, बढ़िया ये होता था अपना चेंजिंग रूम, बढ़िया बाल बुल बनाए। तो जो ये कमरा है, ये है ध्रुव का कमरा। हाँ जी, इसके बारे में आपको सीधी दिखा देते हैं। बेल्कनी है, बहुत छोटी सी बेल्कनी है, वैसे फायदा नहीं बेल्कनी है। और इसमें एक चीज है कि इस कमरे के लिए इस इधर से भी सीढ़ी आती है ऊपर। हाँ, वो इसके लिए स्पेशली बनाई है। तो ये कमरा में भी कोई रह रहा है तो भी है नहीं, समझा रहा हूँ। बाकी ये टीवी है अपना, तो इसके साथ इन दो कमरों के साथ अंदर एक अटैच वॉशरूम है एकदम, और एक नीचे है। ये लो जी, ये देख लो जी, ये अपना वॉशरूम, बढ़िया टाइलें लगी है चारों तरफ। तो भाई अपने घर पे जैसे काम होता है ना, बिल्कुल वैसे करवाया है यहाँ पे काम। तो अब यहाँ पे तो कोई वैसे टूट फूट नहीं दिखेगी, जैसी फ्लैट्स में होती है ना टूट, कच्चा काम इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस ये था हमारा सेकंड फ्लोर, अब चलेंगे हम टेरेस पे। टेरेस पे आखिरी जो बचा है, फाइनल। ये अंधेरा हो गया, यहाँ लाइट जलती है इसमें, तो इसमें तो जलती है लाइट यहाँ। नहीं। बहुत नहीं इतनी कोई ना, तो इनको लेके आना पीछे से। हाँ। पकड़ पकड़ के लेके आना, मैं दरवाजा खोलता ऊपर। तो बस ये आप पहुंच जाएंगे, सीढ़ी वाली सीढ़ियां दिखेगी आपको इस घर में ना, जो मेरे को कमी लगती है वो
लिफ्ट होती है ना इसमें तो ज्यादा अच्छा होना था। हाँ, तो ये यहाँ पे दिखाए पहले अपना, ये लोगों ने क्या अपने कपड़े यहाँ पे टांग दिए। ये हमारा स्टोर रूम है जहाँ पे बहुत सारा सामान है, इसमें स्पेस होगा अभी भी स्टोर रूम में? हाँ, इसमें सामान रखा है भाई, ताला नहीं करा। और ये हमारा पूरा टेरेस, ये साथ वालों ने टांगे होंगे। हमारा टेरेस है, ये अपना टेरेस कितना खुला डुल्ला है। हाँ, धूप से एक को बढ़िया। इस टेरेस में इनका गृह प्रवेश का फंक्शन हुआ था, तो यहाँ पूरा इतने सारे लोग आ गए थे यहाँ पे। हाँ, पूरा हिमाचली डांस वगैरह सब कुछ हुआ है। अगर हम इस घर पे होते तो बर्थडे बुर्थडे छोटे मोटे फंक्शन तो हमारे यहाँ टेरेस पे यूज होने। हाँ। बहुत खुला स्पेस है यार, अब देखो इतना बड़ा टेरेस है यहाँ से लेकर वहाँ तक। दुकान की चाबी हमारे पास है, नहीं वो काफी खुली डुली दुकान है। इतना ही साइज है जितना ही है। आपको वॉशिंग एरिया है, वो वॉशिंग एरिया है वो पूरा। बाकी यहाँ पे बढ़िया व्यू है इस साइड का ना, सामने जाएगी गाड़िया। देखो बच्चा, देखो भाई पतंग उड़ा रहा है, कोशिश कर रहा है छोटा बच्चा एकदम टॉप में जाके। शायद हॉस्पिटल बनने वाला है। हाँ। पता नहीं अभी पता नहीं, पापा बोल रहे थे। और जो वो आएगा वहाँ से चौक फ्लाईओवर सीधा यहाँ आएगा, तो यहाँ से बहुत इजी रह जाएगा जगह जीरकपुर पहुँचने के लिए। एक बनना है ना PR7 रोड, जब वो बन जाएगा फिर बहुत इजी हो जाएगा। चले अब नीचे, गर्मी लग रही मेरे को तो यहाँ ऊपर। क्या हो गया? मम्मी की दवाई डालू। अच्छा, तो भाई एक आखिरी चीज बच गई है दिखाने के लिए। अंजू का कहना है यहाँ का वॉशरूम नहीं दिखाया, तो अभी दिखा देते हैं। ये मतलब ड्राइंग रूम के साथ का जो वॉशरूम है, ले भाई ले, ये लो जी, ये वॉशरूम है। और इसके बाहर यहाँ पे एक वॉशिंग एरिया है, वहाँ से खुलेगा खुलेगा ऊपर से कुंडी बस। ये अपना वॉशिंग एरिया है, सकते हो। यहाँ पे लगी थी पहले वॉशिंग मशीन, अब सामने इस साइड को सामने 20 सेक्टर वाले फ्लैट्स दिखते हैं। तो ये था अपना छोटा सा होम टूर, जो अब नहीं बोला हमारी तरफ से, तो भाई छोटा सा होम टूर है जितना हम दे सकते हैं। बाकी दुकानें गाइस एक्चुअली वो हमने रेंट आउट करी हुई है, तो दुकानें भी दिखाते हैं हम आपको, बट उसमें जो जिसको रेंट आउट करी हुई है उन्हें बंद रखी हुई है, संडे है ना इस करके है, तो वो रेंट आउट की हुई है दोनों, जो उसके नीचे और बेसमेंट वाली दुकान है। तो ये हमारी पूरा घर है पंचकूला 20 सेक्टर में, फिर मशाला बोल सकते हैं इसको। हाँ, जहाँ भी जाओ भाई मिरर ही मिरर है। ऑडियंस को तो दे दिया है, उनके तो कमेंट से पता चलेगा उनको कैसा लगा, बट पहले आपने तो लाइव हमारे साथ देखा है होम टूर, अब बताओ आपको कैसा लगा? तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो बहुत टाइम से बोल रही थी। अच्छा, आज लाइव देख लिया मम्मी ने, अच्छा लगा? हाँ यार, अपनी मेहनत से बनाया हुआ घर अच्छा ही लगता है, और अपना घर अपना होता है। क्या एक्चुअली गाइस, जब मैं पहली बार आई थी ना उस टाइम पे काफी मतलब रहते थे उस टाइम तो यहाँ पे पापा कभी कभी, उस टाइम तो बिल्कुल मतलब इतना सजाया हुआ था ये घर, पापा बोलते थे ना कि अपने घर को सजाने का मजा ही कुछ और होता है, बहुत अच्छा था उस टाइम। अब तो काफी टाइम से जब से शादी हुई है 1 साल 1.5-2 साल से घर पे कोई नहीं रह रहा, रेंटेड पे दिया हुआ था हमने वो। इसमें सारी कोलाज बनाई हुई है, नानी की है, मम्मी पापा की है, और मेरी तो बहुत सारी है। हाँ, ध्रुव के साथ भी कोई लड़की डाली हुई है। अरे ये तो फ्रेशर्स का है। नहीं नहीं गया था ना। ओह माय गॉड, ध्रुव आप कितने पतले थे पहले, वाओ मस्त ट्रांजिशन हुआ है तगड़ा। एक में गाना भी गाता था, सिंगर हूं मैं वहां पे। ओहो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये दादू दादी ध्रुव के, और ये मस्त। हाँ, पापा के मम्मी पापा है। घर की किचन लगती बहुत खुले डुल्ले बनाई है किचन, है ना मस्त किचन बहुत जबरदस्त है। तो चले ध्रुव, हमने मंदिर जाना है ना,
चलो फिर चलते हैं, है ना, चलते हैं, भी चलते हैं। फिर कुछ रास्ते में देख भी लेंगे खाने पीने का, घर में तो कुछ है नहीं है सच। हाँ, हमारी किचन खाली पड़ी है, खाली, बट इस किचन में मैंने खाना बनाया हुआ है गाइस। पहले के व्लॉग अगर आप देखेंगे, मैंने इस किचन में खाना बनाया हुआ है। चलो आ जाओ। अब तो गर्मी ज्यादा फील हो रही है क्यों? नहीं, मुझे तो नहीं हो रही है, मेरे को याद आ रही है, जैकेट की वजह से हो रहा होगा शायद। हाँ, यहाँ पे गर्मी है यार, हमारे वहाँ गर्मी पर है, पर मम्मी की धूप नहीं आती ना, इस करके लगता है ऐसे। तो जी अभी चलते हैं हनुमान मंदिर, अजरंग बली के दर्शन कर लेते हैं, जब आए इतने नज़दीक तो दर्शन भी हो जाएगी इस बहाने। अभी हम गए थे वैसे, नहीं इस महीने नहीं गए ना, नहीं गए इस महीने, मासी मास्टर के साथ गए थे हम लास्ट, लास्ट वृंदावन जाने से पहले। तो यहाँ चलो इस महीने अपना मंदिर जाना भी हो जाएगा, क्योंकि मैं सोचा है कि महीने में एक बार तो जाने जाना है इस मंदिर। जब भी हम इधर बी सेक्टर आते हैं या फिर घर आते हैं तो हम वहाँ जरूर जाते हैं। तो पहुंच चुके हैं जी बजरंग बली के मंदिर, और अभी ना मंदिर बंद होते हैं दिन के टाइम, अभी याद आया, तो चलो बाहर से दर्शन कर लेते हैं, बाकी तो सारे कबाट बंद हो गए। जय बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। घर से थी ना, काम की चीजें थी लगी हुई है, थोड़ा लेट आते, 4 बजे तक मंदिर खुले होने थे। सच्चे दिल से मंदिर पहुँच गए ना, वही बहुत बड़ी बात है, वो सोचो ना आप। कैसे मम्मी को दृष्टि दिखाने जाएंगे ना, उसके नाएंगे। पर ये है कि यार यहाँ पे अलग पीस और अलग शांति है। बेशक मंदिर बंद भी था ना, इसके सराउंडिंग्स में इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी और पीस फील हुआ ना, मजेदार। अब चलिए चलिए, हम कहाँ जा रहे हैं? इस मार्केट में। हाँ, इस मार्केट। ये मार्केट कौन सी है? नहीं, सब्जी मंडी। सब्जी खरीद लेते हैं ना यार, फिर खाने पीने का देखेगा कुछ, क्योंकि अगर हम आए अभी सेक्टर पंचकुला तो यहाँ पे सब्जी मंडी बहुत बड़ी लगती है, और साथ में कि मॉल जैसा भी खुल रहा है कुछ यहाँ पे, फूड फैक्ट्री, हाँ कुछ है इस टाइप का, तो बहुत बड़ी मंडी लगती है यहाँ पे ना, तो बढ़िया रेट्स में आपको सब्जियाँ भी मिल जाएगी फ्रेश फ्रेश। पर जो भी बोलो, सब्जी मंडी के अंदर सब्जियाँ काफ़ी फ्रेश है ना, इतनी बड़ी मिर्ची देखना। और फ्रेशनेस देखो भाई सब्जी की, तो भाई सबसे बेस्ट ही है कि आप सब्जी मंडी आओ और यहीं से ले ले। कैसे दिए? 30 का पहिया। पालक तो नहीं लेना अंजू? पालक नहीं, नहीं यार, बहुत सब्जी क्वीन है ना, तो इसलिए जरूरी है सब्जियां खरीदना। और कीवी कैसे? कीवी 300 रुपए का, 250 रुपए का बॉक्स है। ये क्या है ऊपर वाला? ये रसभरी है। रसभरी मीठा होता है? खट्टा मीठा। कितने का बॉक्स है? 200 रुपए का। ये अमरूद, अमरूद कैसे दिया? ये लाल वाला है। कैसे दिए लाल वाला? 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो। और साइज देखो भाई, टेस्टी होगा एकदम, लाल है। और क्या है ये दूसरे वाला, कितने का? ये है 80 रुपये किलो है, ये 150 रुपये किलो है। ये 150 रुपये किलो है। कितने की बास्केट है ये फ्रूट वाली? 4500। 4500 सारे फ्रूट्स है इसमें? हाँ जी, अलग अलग टाइप के मैंने फ्रूट्स भी ले लिए यहाँ से, इतने की अपनी ना सब्जी नहीं आई, इतने के फ्रूट्स आ चुके हैं। चलते अब इनको कुछ खिलाते पिलाते हैं, फिर घर निकलेंगे। सेव इज वेटिंग। और इतनी सारी सब्जी लिए, सबसे जो इंटरेस्टिंग सब्जी है वो है कच्चा प्याज। कल मॉर्निंग में कच्चा प्याज ही बनाया सबसे पहले। हाँ ठीक है, तो गाइस आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं, ब्लॉग शुरू कच्चा प्याज से ही होगा कल। कच्चा प्याज से होगा ब्लॉग की शुरुआत। तो जी अब जाएंगे हम चायोस, फ्री वाई फाई कैफे, टाइम इन 9 AM to 11 PM। तो ये है जी अपना मेन्यू। हाँ जी, UPI। अंदर यहाँ पे बढ़िया सेटअप है चाय उसका। तो भाई अपनी मील आ चुकी है, चाय, बन समोसा, बड़ा पाव, और अंजना का रोल आ रहा है अभी। अच्छा है इनका, बाइट भी ली मैंने, बहुत टेस्टी है। चाय पी के ताज़ा हो ले, ताज़ा हो ले। पहली बार भी हमने ऐसे चाय ना, वैसे हम अक्सर मतलब बोले तो स्नैक्स नुक्स ही करते हैं, पर इस बार हमने बढ़िया हेल्दी मील करी है, कुछ ऐसे मतलब जंक जुंक नहीं खाया है, चाय, बन, समोसा, पनीर, वो पनीर टिक्का रोल, तो जंक में नहीं गिनेंगे इसको।
पंचकुला की, मैं कहीं यहाँ मिले रौनक में। हाँ ये आगे है रौनक, ये देखो यहाँ भी मिले थे फर्स्ट टाइम। चलो फिर चलते हैं अब घर की तरफ, टाइम से फ्री हो गए, अच्छा है। टाइम से फ्री होने का ये तो फायदा होता है, अब सेवी को भी अब टाइम दे पाएंगे ना यार। और कल रुक का ऑफिस है। हाँ तो मेरे को भी थोड़ा पढ़ाई करनी है, एग्जाम है अंजू के, तो मैं अब इसकी हेल्प भी करवाऊंगा। ऐसी बात है, डिनर में हेल्प करवाता हूँ मैं यार, या मेरी पढ़ने में हेल्प कर देना है ना। मैथ्स अच्छा है ना मेरा, पढ़ने में हेल्प करवाऊंगा, वो ज्यादा अच्छा आइडिया है। मेरे को पढ़ाना वैसे भी अच्छा लगता है। अगर गाइस आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना हो तो बताना, ट्यूशन बढ़िया दे सकता हूँ मैं आपको। ऑनलाइन ट्यूशन करूँ मैं शुरू? पहले मुझे पढ़ा लो, अगर मैं अच्छे नंबरों से पास होगी तो पक्का रिकमेंड करेंगे। ठीक है भाई, क्या बात है भाई, टूलेट दिख गया हमें। और कल अब कल हम यहाँ पे आएंगे देखने, और वो बहुत अच्छा लग रहा है हमें, है ना, दूर से प्रेजेंटेशन अच्छी रखी है इसकी, और इसका व्यू ये वाला आएगा। और धूप भी होगी, और हम ब्लिसोरा में देखते शायद ही होगी। नहीं नहीं क्यों नहीं होगी बेबी, इस साइड को बहुत आती है धूप, इस साइड को ब्लिसोरा वाली साइड। सब्जी ले लो, साइड बिजनेस शुरू किया है। हाँ सब्जी ले लो, ऐसे करके सब्जी ले लो। कौन बच्चे, क्या कर रहा है तूने, ये ऊपर पहुंच गया, देखना मिलने जा रहा है इनसे पहले, हमारे मेरे से नहीं मिलेगा ये। हैं ऊपर क्या कर रहा था तू, एक बार बता। गंदा बच्चा ऐसे भी बहुत ज्यादा, ऊपर बैठा हुआ था ये। अच्छा अच्छा कहाँ बैठा था सेवी, कहाँ बैठा था? भैया बचाओ। चलो भाई शेबू भाई को घुमाने ले चलते हैं अब, है ना, है ना बेटू। चलो ऊपर नहीं, घुमाने के चक्कर में ऊपर जा रहे हो, और निकल गया। तो गाइस ये था हमारा आज का दिन, अब बहुत सारी सब्जियां लाई उसमें से मुझे बनानी भी शुरू करनी है। तो आई होप आपको हमारा आज का दिन पसंद आया होगा, हमारा होम टूर पसंद आया होगा। मम्मी को तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मम्मी भी नहीं गए थे, और मैंने भी एक बार फिर से देख लिया तो अच्छा लग रहा था अपने घर जाके। बट हम नहीं रहते उस घर पर, बट अब हमारे लिए यही घर है, बट वो भी हमारा घर है। तो गाइज आई होप आपको भी हमारा ये होम टूर पसंद आया होगा, कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी खुशी में गाइस चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, होम टूर की खुशी में। अगर घर पसंद आया तो आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, है ना, इतना हाँ जी। बाकी अगर आप हमसे प्यार करते हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करोगे करोगे। और अब ये देखना इतना बेचैन हो रहा है ना घूमने के लिए, घूमने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ इसको घुमा भी लेते हैं और इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं। तो वी होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक करें, चैनल पे नए तो भी सब्सक्राइब करें, एंड शेयर करें अपने दोस्तों ने फैमिली मेंबर्स से, एंड देखते रहे ध्रुव वंदना ब्लॉग्स, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग्स। बाय बाय।